हेलो सर, स्वागत है आप सभी लोगों का अनीता कंवर के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और कितनी गर्मी पड़ रही है ना? बहुत गर्मी पड़ रही है। और आज का ब्लॉग रहेगा अपना ये रांधा पुआ का, बाशुरा का, शीतलाष्टमी, शीतला माता का पूजन होता है ना उसका। तो मैं लग गई हूँ, शाम के 5 बज गए हैं और मैं लग गई हूँ रांधा पुआ में। ठीक है, मैंने चावल तो बना दिए और कढ़ी सीज रही है, राबड़ी सीज रही है और अभी के लिए तो कैरी की सब्जी बनाई है मैंने, कैरी और मेथी की मिक्स है ना, और कल के लिए कढ़ी। और भी बहुत कुछ बनता है यार, मैं तो अभी बनाते बनाते थक जाऊँगी। कल दिखाऊँगी आपको क्या क्या बनाऊँ, क्या क्या बनाया मैंने, क्योंकि अभी तो मैं बनाऊँगी ना तो मतलब व्लॉग नहीं बना पाऊँगी, फिर भी थोड़ा बहुत तो दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बन रही है हमारी कढ़ी, ये राबड़ी और ये है कैरी और मेथी की सब्जी। कैसी लग रही? यम यम। और चावल बना के रख दिए, वैसे सब्जी सीख गए, फिर लापसी, लापसी जानता है ना, लापसी सब जानते हैं, लापसी चढ़ा लूँ बनाने के लिए ना। तो बना लूँ मैं पहले, उसके बाद वापस मिलते हैं आपसे। ठीक है, जूस पार्टी, मादाम शेक पार्टी, मादाम शेक पार्टी। तो गाइस, बनाते बनाते थक गई तो थोड़ा सा मूड चिल कर लेते हैं ना, मतलब गर्मी भयंकर गर्मी, तो थोड़ा सा और जो ठंडो कर लूँ जूस पी, बादाम शेक पियेंगे आप? आइए, आप बनानी है मेरे को सिर्फ पूड़ी बनानी है और शाम की रोटी बनानी है, बाकी सारा आइटम मैंने बना के रख दिया है। पहले जूस वूस पी लेती, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर बाद में पूड़ी बना के। तो बने रही मेरे ब्लॉग पर, ठीक है, मतलब आज का और कल का दोनों का व्लॉग ये एक ही व्लॉग में करूँगी मैं पूरा। ठीक है, बने रही। इस गाइस, तो मैं निकाल दूँगी, बहुत रात हो चुकी है, निकालने वाली थोड़ी सी हो रही है। तो फ्रेंड्स, बन गए टोटल सब सामान, बन गए हैं। अब आइए, अब आइए महारानी। मैंने इसको बोला था मेरे रील्स बना दे, नहीं आई बेटी, मेरे सर में दर्द हो रहा था क्योंकि शर्म नहीं आती मेरे माता की। तो गाइस, मेरा सारा टोटल काम हो गया है, इतने सारे व्यंजन बनाए मैंने, अभी कुछ नहीं दिखेंगे आपको, सब कुछ सुबह दिखेंगे। आपको पता है बाछड़ा क्यों पूछते हैं, मतलब बाछड़ा क्यों बनाते हैं? अभी अभी किसी ने ज्ञान दिया मेरे को कि है ना, बाछड़ा इसलिए पूछते कि आज के बाद ठंडा खाना नहीं खाना, बस आज लास्ट है, आज का दिन मतलब कल सुबह जितना खा सकते हो खा लो, उसके बाद ठंडा नहीं खाना है, गर्म ही खाना है, क्योंकि फिर भयंकर गर्मी आ जाएगी तो वो बाछड़ा खा ही नहीं सकते ना। तो मिलते हैं सुबह। यो, आई एम रेडी। मैं जचाती हूँ, जो नौ कंड वाले लाते ना अपने, इनमें सामान डाल दो, ये नौ कंड वाले हैं, अब इनमें मैं डाल दूँ। सबसे पहले तो ये जो मैंने भेजे थे ना, बाजरा और मोट, इनसे भर लेती हूँ एक को। तो एक दिए हो गया, डालती हूँ गाइस, इससे वीडियो बनी बनेगा नहीं मेरे से, मैं पहले डाल ही लेती हूँ फिर बताऊँगी आपको। यस, तो गाइस ये हो गए हैं सारे सामान, तो मैं इनको रख लेती हूँ एक परात में। तो ये तो चचा दी मैंने इसमें, और ये पानी का भर लिया माता जी को पूजने के लिए, तो इसको भी इधर किधर सेट कर लेती हूँ ऐसे। और ये एक जगह एक्स्ट्रा भर लिया है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी कार्यवाही करनी पड़ती है, इसको रख लेती हूँ, पहले कोमल को जगाती हूँ मैं, देखती हूँ। कोमल, कोमल, कोमल ला चले। तो ये ले लिया मैंने, अब चलते हैं। तो दोनों हाथ बिजी है तो मस्त हवा चल रही है।
गाइस हम आ गए हैं यहाँ पे, अब रूपा और आ जाए फिर हम भी पूछेंगे। कर भी दी खाने वाला था मम्मी राम राम जी गिरिका के साथ बना दो यहाँ पे खेत कितना गंदा खेत बनाया है खेत बनाना भी नहीं आता मम्मी आप तो गांव में रहे हो यार बना रही हूं ना ऐसे ही तो बनाते हैं ऐसे कौन बोता है भाई ये म्याऊ की बहन मेरे को डरा मम्मी मत बुलाओ मैं ना ये म्याऊ की बहन है म्याऊ नहीं है तो सारा पानी मत डालो किसा के जो तो दिखी नहीं रहे दूर ही कर लो पर आप मैं तुम्हारा घर आ रही हूं तुम्हारी गाय का बार है वो साथ साथ कहां के पत्थर रखे और वहां के पूजे लो मत वाली हो तेरी मां तो बस तू ही करे जब करे वो पूजे नहीं मत पूजे क्यों म्याऊ पिग्गी को हमें चोरी करती हुई कैमरे में कैच हो गई तू तो गाइस हमने पूज लिए ये खेत भी बना दिया है अब मैं सो जाऊं और शीतला माता पूज ले अब घर चाल पतवारी पूजेंगे यही पे पूज लेते भोग लगा रही है झाबड़ी का खा ले
सात डाटा उठाओ चलो लो पकड़ो एक दो तीन चार पाँच छ सात भाग गए अल्ले पत्थर गिर गया सात राधे राधे दादा राधे राधे ये भाई यहाँ पर टीका भी खान लगाऊंगे कयान भी लगा लियो कितने कितना होता है यार इनका कहीं ले आई तू समझ में ही बना रहे मार तो ये ना तो ये खड़े हुए तो जरूरी है कि जैसे पड़े जरूरी तो रहे पतवार इन तो खड़ी करो जी तो खुद ही ले आते यार ना उठा ले तू गुड़ रहे तू गुड़ सा पहली बार इसको कोई भी काम दे दो ये कुछ ना कुछ घपला तो करके आएगी इसमें ये उठी लाओ जी ये तक पिछवाड़े से सीख दो आटा भी टीको भी पका दो पहली सीचा हाँ दीवार गड़ गया जी कुप्पा नहीं कुंडल है वाह तो खेर चुन मैंने कहा उठा ले जी गिरना थोड़ा मोटा तो ले आती सवाल टीका लगा लो मंदिर में ढूंढ लिया मंदिर में बोला वो बीज का पूजा पड़े रहा वो ले राजी ढूंढ टीको काट बाबू वाह यार मेरी नींद खराब कर दे मम्मा और ये भी टीका काट देंगे दो मिनट तू काट ले लियो जा तू लिया दो मिनट लग जाओ फ्लैश लाइट को ना क्या आगे की दी मैं भी डाल दी तीन तो रहने दो फिर मैं चार जाऊं को है बिल्कुल तो गाइस हम पूछ लिए सीटला वाला कितना होता अब तो घर पे छोड़ दिए वापस सुबह अभी तो पाँच ही बजे आएंगे सिक्की तो उठ गया होगा बाय बाय इनको बाय करती हूँ चला जाओ अब मैं चलती हूँ ऊपर एब्सेंट छोड़ रहा हूँ तो गाइस घर पे आ गए अभी थोड़ा मंदिर में भी टीका ही का लगाए थे मंदिर को लगाए थे पहले टीका लगाती हूँ सबको राबड़ी टेस्ट करा देती हूँ
फ्रेंड्स, हम पूछ के आ गए हैं माता जी। अब मैं मम्मी जी का पगा लगा लेती हूँ और ड्रेस व्रेस चेंज करके और फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर घर का काम स्टार्ट करूँगा। बस मम्मी जी के पास जाती हूँ, पगा लगा देता हूँ। भैया कौन मना कर दीजिए, यस गाइस, तो व्लॉग को एंड करने का टाइम हो गया है और मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ आज। ये बांसुड़ा का शीतला माता का व्लॉग था आज का। तो मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं पूजने गई थी ना तो कहानी बात तो नहीं सुनी और मैंने घर पे आके कहानी सुनी थी सारी शाम के 5 बजे। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी मेरी प्यार।